हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ स्टडी थ्री बाय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत से एक बड़ी अपडेट आ चुका है। दोस्तों, अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो किस्त मिलता है, 13वीं किस्त का पैसा अकाउंट में आज से दोस्तों आना शुरू हो चुका है। दोस्तों, स्टेटस कैसे चेक करना है कि अभी तक आपके अकाउंट में पैसा रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, इस वीडियो में आप सभी को कंप्लीट जानकारी देंगे। दोस्तों, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा चेक करने के लिए सबसे पहले गूगल को ओपन कीजिएगा। उसके बाद सर्च बार में आपको टाइप करना है पीएम किसान और सर्च करना है। सर्च कीजिएगा तो पीएम किसान का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, पहले वाले लिंक पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का होम पेज खुलकर ओपन हो जाएगा पीएम किसान ऑफिशियल वेबसाइट का। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आइएगा दोस्तों तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, देखिए यहाँ पर बेनिफिशियरी स्टेटस। ठीक है, यहीं से दोस्तों आप पैसा चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देगा, एक मोबाइल नंबर से चेक करने के लिए, दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक करने के लिए। तो दोस्तों, सबसे आसान है रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक करने के लिए। उसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको कि इधर आना है। जब रजिस्ट्रेशन नंबर पर टिक कीजिएगा तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर जो भी है डाल देना है। डालने के बाद जो कैप्चा है, कैप्चा को यहाँ पर फिलअप कर देना है। ठीक है, उसके बाद गेट डाटा पर क्लिक करना है। चलिए मैं पहले पूरा पूरा डिटेल जो है इसे मैं फिलअप करके और गेट डाटा पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद इस तरह का डिटेल खुलकर ओपन हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर फार्मर का नेम, किसान का नाम दिखाई देगा, उसके बाद पिता का नाम दिखाई देगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर शो करेगा लास्ट का, फोर अंक, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद टाउन, उसके बाद विलेज, यानी टोटल जानकारी यहाँ पर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, कब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था, KYC, ठीक है, यस एंड नो का ऑप्शन आ जाएगा, अकाउंट नंबर, यहाँ पर सभी जानकारी मिल जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए पेमेंट स्टेटस दिखाई देगा। तो इनका पहला जो किस्त कब मिला है, फर्स्ट पहला किस्त, इनको पहला किस्त देखिए यहाँ पर डेट शो कर रहा है 16/5/2020 को मिला है। दूसरा यहाँ पर जो मिला है यहाँ पर 10/8/2020 को। इसी तरह दोस्तों इनका किस्त मिलते गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम नीचे आ जाएंगे, लास्ट किस्त इनको कब मिला है। देखिए, इनको अभी तक 8वां किस्त मिला है। ठीक है, मतलब ये पीछे अप्लाई की है इसलिए इनको 8वां किस्त ही मिला है, 17/10/2022 को। अब दोस्तों ये 13 जो इनका 2022 का तीसरा किस्त आने वाला है। ठीक है, तो तीसरा किस्त दोस्तों 2022 का आने वाला है। अभी 2023 जनवरी चल रहा है, तो जनवरी दोस्तों आज 11 तारीख है, आज से पैसा आना शुरू हो चुका है। 2 दिन वेट कर लीजिएगा, अगर आपका पैसा नहीं आया है तो 11 से 15 तक के बीच में पैसा सभी के अकाउंट में भेज दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप अपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर सकते हो। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर राय दीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।